मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? आज है 17 और बस अपना लिपशेड लगाने जा रही थी। एक्चुअली जब भी मैं ब्राइट कलर पहनती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मुझे किस तरह का शेड लगाना चाहिए। डार्क पर डार्क लगाना चाहिए, डार्क पर लाइट लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए? एंड फाइनली मुझे ये शेड मिला है, तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं लगा कर आती हूँ। जानू ये शेड कैसा है? अच्छा, ओके। सो ये एकदम ही न्यूड शेड है एंड आई डोंट थिंक मुझे इतना न्यूड शेड चाहिए, तो आई एम गोइंग टू चेंज माई लिप शेड नाउ। ओके, तो मुझे बहुत ही अच्छा एक शेड मिल गया है, इसे मैं लगा लेती हूँ। आई थिंक ये अच्छा दिखेगा। यानी ये लिप शेड अच्छा है टॉप के साथ? मेरा टॉप केस है अच्छा, सी कट्स एंड कट्स एंड सम मोर कटआउट्स, नाइस ना। सो मैंने इसे क्लब फैक्ट्री से लिया है, मैंने क्लब फैक्ट्री से काफ़ी सारी चीज़ें ली है। तो अभी तो मैं जा रही हूँ ऑफिस, और ऑफिस से आने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। और ये है पहला टॉप जो आप इसे देख पा रहे हैं, एंड आई थिंक रेड के साथ ये लिप शेड काफ़ी अच्छे से गया है, राइट? तो चलिए ऑफिस चलते हैं और थोड़ा काम करते हैं। आप भी मेरे साथ काम करिए और फिर मज़े करिए। हेलो एवरीवन, तो आप सभी ने जानते हैं फॉर श्योर रितु की मम्मी, जिनकी मैं हमेशा बात करती रहती हूँ, रितु जो मुझे पंजाबी सिखाने वाली है। तो मैंने स्पेशली पंजाबी सीखने के लिए यहाँ पर वो किया है। तो क्या सिखा रहे हो आप पंजाबी में मुझे? नमस्ते करते हो पंजाबी में, बोलते हो सत श्री अकाल। जूती उसके बाद का मुझे कुछ नहीं समझ में आता, और वो बोल भी नहीं पाती, और मैंने वो गूगल लिरिक्स भी वो करके देखा तो भी वो बराबर मुँह से फील ही नहीं करता। मैंने राज को बहुत इरिटेट किया था इस सारे चक्कर में। और अभी तो मैं पहले बोलते रहे तुम तो सिद्धू नंदवाई सुनने वाली हो, तो रहने दो।
पर उसकी सॉन्ग अच्छे हैं, उसकी सॉन्ग सच में अच्छे हैं। लाहौर की भी मुझे नहीं समझा, लाहौर तो लगती है, लाहौर की मतलब तुझे हर हर तरह अलग अलग प्लेस से लगती है। ओके ऐसा है क्या? मैंने ये सोच रही थी कि वो ढूंढ रहा लड़की लाहौर में, उसने उसको अलग अलग स्टेट से सब दिखता है, लाहौर में लड़की को और हमने टाइप बोल रहा है। ओके क्योंकि मैंने उसको वो भी देखा था ना वीडियो वाला, मैं मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, वो ढूंढ रहा था ना, वो बोलता है कि ऐसे है वैसे है, तो फिर पता करो कि बेसिकली वो है कि कहां पे है। ओके हां ये चीज अलग ही होती है। मैंने क्या सोचा कि वो फोटो देख रहा है और सोच रहा है कि लड़की कौन से सिटी में रहती है, लाहौर में रहती है, कहाँ रहती है? लाहौर इज इन पाकिस्तान। मैं भी सोच रही थी कि लाहौर 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 लाहौर। उसके बाद वो सेकंड वो हाई रेटेड गबू तो समझ में आ जाता है, बाकी तो समझ में कुछ कुछ नहीं समझ में आता। मज़ा भी बड़ा, पंजाबी क्लास चालू करनी, मैं आप ही के पास रोज आती हूँ और आप ही से सीखती हूँ। रितु बाय बाय, रितु बस मुझे ट्रीट कर कि मेरा थोड़ा सा तरीके से वो हो जाए। आप सही हो, आप हेवी नहीं हो दीदी, वो आप कैमरे में से लगता है वो पतली है, वाकई में पतली है। नहीं पर मतलब अभी मैं भी वो देखने लगती हूँ ना, मुझे भी लगता है यार ये मेरा इतना भी अभी ऐसे ऐसे नहीं दिखता वो कैमरा में, ऐसे बैठते हो तो वो थोड़ा डबल चिन आती है। अब ऐसा यही सब चल रहा है रोज क्या। और कितनी शॉपिंग की आपने मुझे देख कर? वो तो काम पे होते हैं। मैडम जी क्या कमाल करती है, अब मैं मतलब थोड़ा सा कमाला, थैंक यू। बस हम लोग रोड पर आते आते रह गए, ओके तो फाइनली मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल आने वाला है, उसी के लिए मैं वेट कर रही हूँ। एक मीटिंग है छोटी सी, बस वो अटेंड कर लूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी। और काफ़ी खुश हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद रितु और उसकी मम्मी को मिली हूँ। और जब भी इन लोगों से मैं मिलती हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हो जाती हूँ। मतलब सच्ची में वो पॉजिटिविटी है ना, काफ़ी आपको खुश कर देती है। उनके साथ रहना, उनके साथ बातें करना, इट्स समथिंग लाइक पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी पॉजिटिव। एंड रितु की मम्मी का जो नेचर है ना, इट्स ऑसम, मुझे बहुत पसंद है। एंड रितु तो भाई एकदम कूल डूड अपनी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उनसे जब भी मिलती हूँ मैं। और बस अभी वेट कर रही हूँ उस कॉल कब की वो आ जाए, और बस मैं फिर अटेंड कर कर घर जाऊँ। और आज घर पर जाकर मैं आपको मेरा क्लब फैक्ट्री हॉल दिखाने वाली हूँ। एंड ये जो टॉप है सभी को बड़ा पसंद आ रहा है और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जब आप अच्छा दिखते हो और सब आपकी तारीफ़ करते हैं तो यार दिन बनने लगता है, और मेरा कुछ ऐसा ही हो गया है। और यहाँ पर रितु की मम्मी के साथ हमने काफ़ी देर तक काफ़ी सारी बातें की, मतलब हम लोग का जो टॉपिक है कहाँ 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 चला गया था, बट ट्रस्ट मी काफ़ी अच्छा लगता है जब आप इस तरह से बात करते हो ना काफ़ी दिनों के बाद, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता नहीं होती है। और मतलब इट्स नॉट अबाउट ओनली यूट्यूब, बट कुछ लाइफ के किस्से
कुछ लाइफ के कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं पता है तब हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने जानी सुनी तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा और हमने काफ़ी देर तक उन सारी चीज़ों पर डिस्कस किया। तो यार दिन बन गया मतलब आज का मेरा। तो थैंक यू सो मच रितु की मम्मी एंड रितु फॉर कमिंग एंड लिटरली बेस्ट टाइम मैंने आज आपके साथ स्पेंड किया है। तो बस ये कॉल आ जाए फटाक से, मेरा ध्यान भी वहीं पर लगा है, ये कॉल आ जाए फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। ओके तो शाम के बज रहे हैं 6:20 एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि मैं बहुत देर के बाद अपना व्लॉग कर रही हूँ। ऑलमोस्ट लाइक मैंने लास्ट व्लॉग 2:30 बजे किया था और उसके बाद अभी 6:20 को कर रही हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर इट, बट अभी अभी मैंने अपना जो लाइव सेशन है वो ख़त्म किया है एंड मौसम काफ़ी अजीब हो रखा है। मतलब मैं कुछ शौक में हूँ कि बादल गरज रहे हैं और बारिश होने वाली है कि क्या, मुझे नहीं पता, क्योंकि बारिश की संभावना तो कहीं से भी दिख नहीं रही है। ऐसे कुछ काले बादल वगैरह तो नहीं दिख रहे, पर मौसम काफ़ी ऐसा क्लाउडी और धूल मिट्टी वाला हो चुका है जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भी आंधी तूफान आने वाली है। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि क्योंकि अभी बहुत ही बारिश हो रही है। और ये तुमने चॉकलेट खाकर यहाँ पर मुंह भी नहीं धोया है। ओके तो अनिका ने चॉकलेट खाकर मुंह भी नहीं धोया है। गो एंड वॉश योर फेस बेबी। ओके तो चलिए अभी मैं आपको अपने क्लब फैक्ट्री के कपड़े दिखा देती हूँ जो कि मैं बहुत देर से दिखाने का सोच रही थी, और उसके बाद मुझे थोड़ा वर्कआउट करना है क्योंकि एक्चुअली आई स्टार्टेड लूजिंग लिटिल 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 वेट। यस मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम 2-3 किलो कम हो गया, बट यस अभी मैं थोड़ा बहुत चेंज अपनी वेट में देख पा रही हूँ और अगर मौका मिला तो मैं अपना वेट भी आपके साथ शेयर करूँगी। ओके तो सबसे पहला टॉप तो आप देख ही चुके हैं, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्लब फैक्ट्री का एक ऐप आता है जो कि फ्री में डाउनलोड हो जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप अपने लिए बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको कपड़े ही ऑर्डर करने हैं, आप वहाँ से बैग्स, चप्पल्स, शूज़ एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिलती है। मतलब जब आप प्राइस देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये होलसेल के दाम पर आपको एक टॉप मिल रहा है, मतलब बहुत ही सस्ता मिलता है। एंड इस टॉप की अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप खुद भी देख सकते हैं कि क्वालिटी जो है टॉप की एकदम बेस्ट है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर सस्ता टॉप है तो नहीं अच्छी क्वालिटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड बाय द वे सारे टॉप्स एंड कपड़ों की जो भी प्राइस है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूँ कि आप सभी के लिए मैंने कुछ कूपन कोड्स और कुछ अच्छी डिस्काउंट वाली ऑफर्स रखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिन्हें आप यूज़ करके अच्छा खासा एक ऑफ़र जो है अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं, आपको डिस्काउंट वगैरह मिल सकता है। तो इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पक्का चेक करिएगा अगर आपको क्लब फैक्ट्री से कुछ शॉपिंग करनी है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि तूफान आ चुका है बाहर, क्योंकि मेरा तो यहाँ पर एसी चालू है इसलिए ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं चल रहा, बट मैं आपको इतना बोल सकती हूँ कि यस आई कैन फील तूफान आ चुका है। बेबी गो एंड सी तूफान आया है क्या। ओके तो चलिए मैं अभी आपको मेरा सेकंड टॉप दिखाती हूँ जो कि एक सेकंड फंस चुका है। तो ये है सेकंड टॉप और ये वाइट एंड ब्लैक एंड ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में है। मेरे पास शर्ट वगैरह बहुत कम है इसलिए दिस टाइम मैंने सोचा कि मैं अपने लिए शर्ट लूँ, और ये जो फैब्रिक है इसका जो कपड़ा है वो थोड़ा शियर कपड़ा है इसलिए इसके अंदर आपको कुछ पहनना पड़ेगा। अगर आप कंफर्टेबल है तो आप इसे अपने अंडरगारमेंट्स के ऊपर आराम से भी पहन सकते हैं, बट ओवर एंड ऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये शर्ट, मेरे पास एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था सो आई टोटली लाइक्ड इट। उसके बाद ये है वाइट कलर का एकदम क्यूट सा टॉप, एंड मेरे कैमरा को वाइट कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। जब भी मैं वाइट कलर लेके आती हूँ मेरा कैमरा हमेशा कलर करेक्शन में लग जाता है। सो यहाँ पर इस तरह से लेस की डिटेलिंग की गई है ऊपर की फ्रंट साइड में, और यहाँ के हाथों के ऊपर भी इस तरह से कुछ डिटेलिंग की गई है जिसे आप नॉट बांध सकते हो, और इस तरह से ये वाइट कलर का टॉप है। और गर्मियों में वाइट पहनने का जो मज़ा है ना वो आप सभी को पता होगा, क्योंकि मुझे तो बड़ा मज़ा आती है वाइट पहनने में।
तो इसलिए मैंने भी ये वाइट लिया है। और ये जो टॉप आप देख ही रहे हैं, और बज रहा है मेरा फ़ोन, तो जस्ट वन मिनट गाइस। उसके बाद मेरे पास है ये बहुत ही क्यूट सा बैग। मतलब इस तरह से मैंने आज तक कोई बैग यूज़ नहीं किया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये जो स्ट्रैप दिख रहा है ये नहीं यूज़ करना है तो आप निकाल भी सकते हैं, और बस आप इसे एज इट इज़ इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो लुक है वो टोट बैग से इंस्पायर्ड ही है, और यहाँ पर भी कुछ इस तरह से डिटेलिंग की गई है। बैग की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात मुझे ये जो बेल्ट है ये बहुत पसंद आया। चाहे तो मैं इसे इस तरह से कैरी कर सकती हूँ या इस तरह से, जैसे भी मन चाहे। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इसके अंदर और एक पर्स आता है जिसे मैं एज अ स्लिंग बैग कैरी कर सकती हूँ। तो मुझे क्या करना है कि इस स्ट्रैप को निकालना है यहाँ से, और बस इसे यहाँ पर लगा देना है। तो जब मुझे स्लिंग बैग यूज़ करना है तो मैं इसे भी यूज़ कर सकती हूँ। तो ये इस तरह से, और उस स्ट्रैप से वहाँ से निकाल के, तो ये एक टू इन वन पर्स है जिसे मैं खरीदी हूँ और मुझे काफ़ी पसंद आया। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी रिजनेबल भी है। और उसके बाद मैंने ये बेल्ट ख़रीदा है क्योंकि मुझे एक अच्छा सिंपल सा बेल्ट चाहिए था, तो मैंने बेल्ट ख़रीदा है। और मैं आपको बता दूँ कि जो चीज़ें होती है ना, बेल्ट, ईयर रिंग्स एंड हेयर बैंड्स और टॉप एंड बैग्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पर इतनी सारी क्वांटिटी में, इतनी सारी क्वालिटी में मिल जाएंगी कि ट्रस्ट मी, आपको शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आएगा। सो वंस एक बार आप क्लब फैक्ट्री पक्का ट्राई करिए, मैं आपको हाईली सजेस्ट करती हूँ। एंड और कुछ मैंने ख़रीदा जी, ओके एक बात भूल गई थी, आई एम रियली सॉरी फॉर इट, मुझे लग ही रहा था कि मैं कुछ भूल रही हूँ। उसके बाद मैंने ये क्यूट सा बैकपैक ख़रीदा है जो कि ब्लैक कलर में है। इसके ऊपर कुछ गोल्ड की इस तरह से डिटेलिंग की गई है, और काफ़ी क्वालिटी वाला बैग है, मतलब आप देख ही सकते हैं, और क्यूट सा है, छोटू सा है। द ओनली थिंग मुझे इसका ये जो बेल्ट है ना, उसकी क्वालिटी बहुत नहीं पसंद आई, ये और बेटर हो सकती थी, बट इसकी जो प्राइस है ना उस हिसाब से ये बैग सच्ची में बहुत ही अच्छा मिला है। सो आई थिंक आई रियली गोइंग टू यूज़ दिस बैग ज़्यादा से ज़्यादा। और नाइसली बैग के अंदर ऐसे सिलिकॉन पाउच एंड ऑल सब कुछ आता है, मतलब नाइस क्वालिटी एंड नाइसली पैक होकर हर एक चीज़ आया है, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्लब फैक्ट्री से ख़रीदी है। तो एंड ऑफ द वीडियो मैं आप सभी को दिखाऊंगी। ओके एक सेकंड बाबू, तो अनिका डूइंग समथिंग। ओके तो चलिए मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ विथ माई वर्कआउट सेशन। Find your missing out.
ओ मिर्ची डाल दी मैंने तीखा हो गया You've got one life to live, don't let it go. अभी अपने टीका डालना तो टीका खाना ही पड़ेगा. You've got one life to live, just singing. You've got one life to live, don't let it go. ओके आई हैड पिज़्ज़ा इन माय डिनर. जी हाँ, पिज़्ज़ा डिनर में खाने का जो मज़ा होता है ना, वो एकदम सुहाना होता है. बट आई नो इट्स नॉट हेल्दी एंड मैं कर रही हूँ हल्की फुल्की डाइटिंग, एकदम एक्सट्रीम वाली नहीं कर रही हूँ. बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं लो कैलोरीज या हाई कैलोरीज फूड ना खाऊँ, लो कैलोरीज ही फूड खाऊँ. सो उसके ऊपर पास्ता खाना इट्स लाइक अ चीट मील, बट वंस इन अ वाइल चलता है यार. आई एम ट्राइंग माय बेस्ट बट इतना तो चलता है. एंड अनिका जो है ऑलमोस्ट सोने वाली है, उसकी आँखों पर एकदम नींद छा चुकी है. आप देख सकते हैं कि क्या जो स्कूल से आने के बाद भी सोई नहीं है. सो अभी वो बस 10 मिनट में सो जाएगी आई एम श्योर. ओके तो अब मैं थोड़ा सा एडिटिंग करूँगी, थोड़ा सा मतलब आज का जो व्लॉग है उसे एडिट करूँगी एंड इसके बाद मैं सोऊंगी. और अनिका तो बस सोने वाली है और उसके पापा यहीं पर थोड़ा सा लास्ट मिनट जो काम है वो फिनिश कर रहे हैं. और अभी काफ़ी टाइम है, मतलब सिर्फ बज रहा है 9:30, तो काफ़ी मतलब अभी टाइम है. और मैंने दो जो टॉप है क्लब फैक्ट्री के, वो आपको पहन के नहीं दिखाया क्योंकि मैंने ऐसे सोचा कि यार मैं डेली व्लॉग्स करती हूँ तो जब मैं वो टॉप पहनूँगी तो आपको पता चल ही जाएगा. सो इसलिए मैंने नहीं पहना. तो बस मेरे व्लॉग्स रेगुलर देखते रहिए, पहनते रहिए, देखते रहिए. तो आपको मैं बहुत जल्द उन दो टॉप को पहने हुए दिखूँगी. एंड आई रियली होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा. आज का हैशटैग है हैप्पी पीपल. जी हाँ, हैप्पी पीपल, क्योंकि आज का दिन मेरा काफ़ी अच्छा गया विद लॉट्स ऑफ हैप्पी पीपल एंड आई एम फीलिंग सो गुड टुडे. सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आज का हैशटैग है हैप्पी पीपल. एंड प्लीज़ मेक श्योर करें कि नीचे कमेंट बॉक्स में आपको हैप्पी पीपल यूज़ करते हुए आपकी लाइफ के हैप्पी पीपल्स बताने हैं, लाइक योर मॉम, योर डैड, योर हस्बैंड, योर ब्रदर, योर वाइफ, वॉट एवर. प्लीज़ लेट मी नो बिलो इन कमेंट बॉक्स. ओके एंड चलिए फिर बाय बाय करती हूँ. लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर. ओके गुड नाइट.